एक बुनियादी परिवर्तन समाज में आया। ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे, कि किस विचार से काम कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। क्या विचार है आज का, इसके चलते हुए जो समाजवादी धारा है वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन फिर भी वो कमजोर क्यों पड़े ये हमें समझना पड़ेगा। इसके बुनियादी कुछ आयाम है, मैं उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करूँगा। बहुत सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, क्या क्या देश में परेशानियाँ हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो एक इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है वो आज दुनिया को चलाता है, और उसके चलते हुए सारी दुनिया में अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी असमानता बढ़ी है। गुरबंत साहब ने एक आर्टिकल लिखा था 2005 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका में जो इनइक्वालिटी है 2001 में वो सन 1920 के बाद सबसे ज़्यादा हो गई, और हमारे देश में भी आज यही समस्या है। 1% लोग 73% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, डॉलर कंट्रोल करते हैं, तो असमानता बेतहाशा बढ़ी है। सवाल यह कि हुआ क्या है, जो कैपिटल है वो तो मोबाइल हो गया है, वो एक देश से दूसरे देश, एक प्रांत से दूसरे प्रांत चला जाता है, लेकिन लेबर मोबाइल नहीं है, लेबर कमजोर पड़ा है, कैपिटल ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। और जो कैपिटल जो स्ट्रेंथन हुआ है उसके चलते हुए आपने देखा कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, चीन ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया, और वो भी अब कैपिटलिज्म की तरफ पिछले 30 साल से चल रहा है। तो जब इतनी बड़ी ताकत जो चीन और रूस की है वो धराशायी होगी, तो हमें समझना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या जिससे ये जो धारा है वो कमज़ोर पड़ी। तो मेरा मानना है कि जो आज का वैश्वीकरण है वो बाजारीकरण है, बाजार का आगे बढ़ना, हमारी सोच में बाजार आ गया, हमारी जो लीडरशिप है उसकी सोच भी बदल गई है, हमारी सोच तो बदली है, और इसीलिए जो हमारी विचारधारा है वो आज उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ गई है। ये जो बाजारीकरण है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला जो बुनियाद इसका है वो है डॉलर को, यानी अगर आपके पास 1 रुपया है तो आपका 1 वोट है, आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके पास 1 लाख वोट है, यानी कि इसमें डेमोक्रेसी नहीं चल रही, और इसी से डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई है। तो ये आज जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके पास खरीद करो, वो तो अपनी कार भी खरीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो खाना भी नहीं खरीद सकता। तो बाजार के चलते हुए कमजोरी आई है डेमोक्रेसी में, और इसीलिए आपने देखा कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये डोमिनेट करते हैं, और किस तरह की नीतियाँ चलेंगी वो निर्धारित करते हैं, वही सारे देशों में छोड़ दी जाती है। तो हमारी जो एक बुनियादी जो नीति होनी चाहिए वो हम अपने तौर पे नहीं कर सकते, जो वहाँ से आता है वो चलता है। तो जैसे कि आज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत इसके, गरीब आदमी को खाना चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसको जो शिक्षा चाहिए, वहाँ पे कमजोरी आ जाती है कि हम कहाँ से पॉलिसी वो करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी जो समस्या आती है बाजारीकरण से वो मोर इज बेटर, यानी कि अगर आपके पास एक चीज़ है तो 2 हो तो ज़्यादा अच्छा है, 2 हो तो 4 हो, तो यही कंज्यूमरिज्म का आधार है। आज हम कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, और वो जो लड्डू है जो 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 हमारी जो शासकीय ताकतें हैं उन्होंने हमारे सामने लटका रखा है, ये आज जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, आपको कार भी मिल रही है, टेलीविजन भी मिल रहा है, आप सब तरह से ये ज़्यादा खुश हैं, खुशहाली बढ़ रही है, लेकिन आदमी का क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो ये जो आज जो ये मोर इज बेटर है इसके चलते हुए सैक्रीफाइस करना बिल्कुल बेमानी है, सैक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप और कमाइए और खपत करिए और खपत बढ़ाते चले जाइए तो आपकी जो खुशहाली बढ़ेगी, आदमी का क्या होगा उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो इसके साथ जुड़ी है कि आज इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वही मैटर करता है, इतिहास नहीं मैटर करता, समाज नहीं मैटर करता, और राजनीति नहीं मैटर करता, और इसके चलते हुए जो हमारी जो सोच है वो ए हिस्टोरिकल हो गई है, इतिहास का कोई मतलब नहीं रहा है, जो आज हो रहा है वही सही है और जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो इसके चलते हुए एक कमजोरी बुनियादी तौर पर हमारे पास आती है। एक चीज़ और जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो है कि आदमी एक रैशनल आदमी है। क्या रैशनैलिटी है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, कि अपना उसको जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी लालच से आप पैसा कमाइए, जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लीजिए, आज लालच करना बुरी बात नहीं है। तो लालच तो पहले भी था, फिर आज लालच नए आयाम पे आ गया। इस सब का असर क्या है, इसका सबका असर ये है कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गया, एटमाइज हो गया है, उसे अपने बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में नहीं सोच रहा, समाज से कटता चला जा रहा है, और जिस तरह से समाज से कटता चला जा रहा है तो वहाँ पे हुआ ये है कि जो आदमी की सोच है वो संकुचित होती है।
आगे दूर तक देखने की जो कैपेसिटी थी आदमी में वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई है। और जब आदमी शॉर्ट टर्म सोचता है तो समाज के बारे में कम सोचता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। इसी के साथ इसका असर जो हमारे देश में दिख रहा है वो किस प्रकार का दिख रहा है, जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे 93% लोग काम करते हैं वो बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं, और जो संगठित क्षेत्र है जहाँ पे 7% लोग काम करते हैं वो उनके उससे आगे चलते चले जा रहे हैं। इससे जो खाई है वो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, और जो खाई है इसको बढ़ाने में GST ने काम किया है, नोटबंदी ने काम किया है, और जो अभी जो चल रहा है डिजिटाइजेशन इन्होंने काम किया है। इसी को बढ़ाने का काम काले धन की अर्थव्यवस्था ने किया है, जो काले धन की अर्थव्यवस्था संगठित क्षेत्र में केंद्रित है। काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए जो खाई है और बढ़ जाती है, पर इससे ज़्यादा जो असर होता है ये हमारी जो सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे और इकोनॉमिक व्यक्तियों पे आघात करती है। तो जो ब्लैक इकोनॉमी जो हमारी है ये बढ़ने से जो खाई है तरह तरह की जो सोच है उसमें बदलाव आया है। तीसरी चीज़ जो है जिसको हमें समझना पड़ेगा वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हम आगे का सोच नहीं पाते, आगे का देख नहीं पाते। एरो साहब ने एक जो आर्टिकल लिखा था उसमें कहा कि टेक्नोलॉजी इज द मिस्ट ऑफ फ्यूचर, यानी आज किस प्रकार से हम ट्रेड कर रहे हैं, किस प्रकार से हम ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार से आज गाड़ियां आ रही हैं जो बिना ड्राइवर के चलेंगी, तो उससे जो है बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। आज जो हमारा संगठित क्षेत्र है वहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट आता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह की ऑटोमेशन बढ़ता चला जाता है, और अगर ऑटोमेशन इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी, लोग संगठित क्षेत्र में केंद्रित होने चले जाएंगे। और फिर एक और जो चीज़ है वो शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार की है, शिक्षा जो है वो आज जैसे कि बताया गया RSS के कितने स्कूल हैं वगैरह वगैरह, लेकिन शिक्षा हमें शॉर्ट टर्मिस बना रही है, शिक्षा आज हमें कैपिटलिस्ट बना रही है, आज शिक्षा हमें सेल्फ सेंटर्ड बना रही है और एटमाइज बना रही है। अगर शिक्षा में परिवर्तन नहीं आया तो बुनियादी जो सोच है उसमें भी परिवर्तन नहीं आएगा। इतना मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अगर हमें जब ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में रखेंगे तो ऑल्टरनेटिव किस प्रकार का हो। हम लोगों ने 93 और 94 में भी एक ऑल्टरनेटिव बनाया था जिसका जो यहाँ पर चर्चा हुई थी, और जो हमारे गांधी पीस फाउंडेशन में भी चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो उसमें कहा था कि मेक द डिज़ायरेबल फीजिबल। डिज़ायरेबल तो बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए लेकिन उसको फीजिबल कैसे करेंगे, उसको एक साथ करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए वो एक होलिस्टिक प्रोग्राम हो, उसमें सबका साथ हो, और उसमें रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज किस प्रकार से खर्च होंगे उसका साथ हो। तो जो ये मैनिफेस्टो बना है इसमें जो कंज्यूमरिज्म है इसको कैसे चेक करेंगे, शिक्षा में कैसे बदलाव लाएंगे, और ये जो सारी चीज़ें हैं जब वो साथ आएंगी तभी वो आएगा। तो मैं अपना जब खत्म करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि जो हमारे सामने मैनिफेस्टो दिया गया है उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। धन्यवाद।